हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और मैं बताने वाली हूँ आपको जेमिनाइज को ये वीक यानी कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2018 आपके लिए कैसे जाने वाला है। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इतने कनेक्टेड हैं और आपकी वेल विशेज ही हैं जिसने मुझे इतना जल्दी से ठीक कर दिया है। आई वॉज नॉट वेल फॉर ऑलमोस्ट वन मंथ, पर आपके प्यार से मैं जल्दी से ठीक हो गई हूँ और आपके बेस्ट विशेस से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको बहुत ही जल्दी एक ऐसा वीडियो देने वाली हूँ जेमिनाइज के लिए भी, जो उनके ईयर में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरट रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन में आपको रेमेडीज मिलेंगी और एक डिटेल्ड रीडिंग भी है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो कि आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे साथ अपने कनेक्शंस को बढ़ा के रखिए। हम बात करेंगे 1 जनवरी को जेमिनाइज कैसा रहेगा उनके लिए 2018। बहुत ही फ्री, बहुत ही आजाद, बहुत ही चैन महसूस करेंगे। बहुत समय के बाद जेमिनाइज को ऐसे लगेगा कि जैसे उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और अगर कोई यात्रा है तो उसका भी संयोग बन सकता है और उनको बहुत ही अच्छा सेलिब्रेटिंग टाइम जो है वो व्यतीत करने का टाइम मिलेगा। एक बात मैं बता दूं आपको कि आप अगर किसी को कोई बात नहीं बता रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी कोई बात है अगर आपके मन में जो आप अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कर दीजिए, कोई डर नहीं है, आपको करना चाहिए। सेकंड को किंग ऑफ पेंटिकल्स है फ्रेंड्स, जो कि कहता है कि पैसे को लेके ये दिन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप राजा हैं और पैसे को लेकर आप राजा ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए बाहर से कोई पार्टनरशिप के भी योग हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई पार्टनर जो है वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा, जो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। 3 जनवरी को आपके दिल की इच्छाएं पूरी होंगी एंड 1 विश इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, विच इज वेरी सुपर। प्लस आपको बचपना नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके हेल्थ का कोई इश्यू है तो प्लीज आप उसका ध्यान रखिए। स्पेशली आपकी बैक एक है या आपके नीज में पेन है तो आपको उसका ध्यान रखना है। 4 जनवरी को आपको अपने आप पर, अपने टैलेंट पर, अपनी क्रिएटिविटी पर फेथ रखना है। हेरोफेंट कहता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है। ये डेस्टिनाइट कार्ड है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर कोई रिलीजियस रिचुअल आपने सोचा है या कोई दान पुण्य करने का सोचा है तो आज से बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। तो आपको अगर कोई भी चैरिटी करनी है तो आप 4 जनवरी को कर सकते हैं। 5 को आपके लिए पैसों को लेकर आपको कुछ चिंता लगी रहेगी इनिशियली, कि आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाय एंड ऑफ द वीक आपको खूब सारे पैसे मिलने वाले हैं और बहुत सारे पैसों में आप बहुत एंजॉय करेंगे। एसीज और स्वॉर्ड्स भी है फ्रेंड्स। मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपको किसी भी हालत में एसीज है आपके, आपको किसी भी हालत में आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो ये आपके लिए गलत है। आर्गुमेंट्स आपको बहुत आपकी पीस को भी डिस्टर्ब करेंगे और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ऐसे था 5th को। 6th को जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वर्स्ट ऑफ द नेगेटिव्स होने लग जाएंगे, जो कि आपको नहीं सोचना है। इमोशनल डाउन फ्रस्ट्रेशन से आपको बचना है। अपने भी बहुत आपको अपने नहीं लग रहे हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, यानी कि 3 ऑप्शंस टोटल आपके पास है। दे आर सजेस्टिंग यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इवन इफ देर आर नो रिजल्ट, जस्ट कीप मूविंग, नीड टू कीप मूव अहेड। एंड 6th को आपको पैसों से लेकर कुछ खर्चा होगा, लेकिन आपको पता है कि आप बहुत पैसे जोड़ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हम भी कहते हैं अपने आप को खुद गाइडेंस देनी है, अपने आप को खुद मंजिल पर लेकर जाना है। कोई भी और आपको नहीं हेल्प करने वाला, कोई भी आपके लिए बहुत ज्यादा जो है कंसर्न भी नहीं फील करेगा फ्रेंड्स। आपको अपने लिए कंसर्न जो है वो खुद ही दिखाना है। तो ये तो था आपका 7 जनवरी का, यानी कि 1st से लेकर 7 जनवरी तक 2018 आपके लिए कैसा रहेगा। एक रिक्वेस्ट मैं आपको जरूर करूंगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है, मेरी फोटोग्राफ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को कुछ ऐसा काम है जो मैंने करने को कहा है सभी राशि वालों को। ऐसा कर आप अपनी लाइफ में इस पूरे ईयर के लिए प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रमोशन भर सकते हैं। फ्रेंड्स आप जरूर 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 ऐसा कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको
कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू कनेक्ट, आप मेरे FB पेज पर भी कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी बात